आज एक दूजे के हो जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी और रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और जाने माने उद्योगपति वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट की आज शादी है। इस ग्रैंड शादी में शामिल होने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी कई जानी मानी बड़ी हस्तियां मुंबई पहुंच चुकी हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सचिन तेंदुलकर, लालू यादव का परिवार, रैपर हनी सिंह, अमेरिका के भी तमाम कलाकार, ब्रिटेन से वहां के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर और दक्षिण कोरिया से सैमसंग कंपनी के चेयरमैन ली जे योंग जैसी तमाम शख्सियतें मुंबई पहुंच चुकी हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में साथ फेरे लेंगे। शादी के बाकी कार्यक्रम मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर में होंगे। फिर कल यानी कि 13 जुलाई को शाम 6 बजे नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर में मिनी रिसेप्शन होगा और 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई नामी हस्तियां शामिल होंगी। शादी से पहले एंटीलिया में शिव शक्ति की भव्य आराधना की गई, अनुष्ठान किया गया जिसमें अंबानी परिवार ने कई फीट की शिवलिंग का अभिषेक किया। अनंत और राधिका ने पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने यह अनुष्ठान करवाया। अनुष्ठान में मशहूर गायक कैलाश खेर और बॉलीवुड स्टार रणबीर सिंह ने भक्ति के गीतों पर परफॉर्म कर आयोजन में चार चांद लगा दिए। और मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम बिहार लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ मुंबई पहुंच चुके हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंच चुकी हैं। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर भी इस शादी में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं और तेजस्वी यादव भी पहुंच चुके हैं, हनी सिंह, इसके अलावा ब्रिटेन के पूर्व पीएम टोनी ब्लेयर और साथ ही साथ नाइजीरियन गायक रेमा भी। ये तमाम कलाकार इस ग्रैंड शादी का हिस्सा बनने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। बड़ी हस्तियां, राजनीतिक, इसके अलावा तमाम उद्योगपति सभी शादी का हिस्सा बनने के लिए इस वक्त मुंबई पहुंच चुके हैं और तमाम मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी के कार्यक्रमों में भारत की संस्कृति और विरासत की छाप देखने को मिल रही है। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी का वाराणसी से विशेष नाता रहा है। पिछले महीने वो काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गई थी। ऐसे में आज जब उनके बेटे की शादी होने जा रही है तो अंबानी परिवार की खुशियों के इस जश्न में काशी की पवित्र नगरी की झलक भी देखने को मिल रही है। काशी के साथ मेरी भक्ति का एक गहरा और विशेष नाता रहा है। फॉर मी एंड माई फैमिली इट हैज ऑलवेज बीन इम्पोर्टेंट to seek the blessings of our devis and devtas before any auspicious beginning. A few weeks back, I went to Varanasi to pray for my children, Anand and Radhika, before their wedding. Namaste, Rajesh ji. Namaste. Achha laga aapko yahan dekhkar. Bahut achha laga. Aapne humko bulane ka vaada kiya tha. पूरा आपने किया। आप सब आ गए यहाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी के अटूट बंधन में बंधने से पहले मुंबई में अंबानी परिवार के घर एंटीलिया में शिव शक्ति का भव्य अनुष्ठान किया गया। ईश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए अनंत और राधिका ने पूजा अर्चना की। दोनों के साथ मुकेश और नीता अंबानी ने पूरे विधि विधान के साथ कई फीट ऊंचे शिवलिंग का अभिषेक किया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों की मौजूदगी में हवन और महाआरती के साथ और 14 जुलाई को मुख्य रिसेप्शन होगा। इस ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन में कई मशहूर हस्तियां पहुंचेंगी। शादी से पहले एंटीलिया में शिव शक्ति का भव्य अनुष्ठान किया गया जिसमें अंबानी परिवार ने कई फीट के शिवलिंग का अभिषेक किया। अनंत और राधिका ने ईश्वर का आशीर्वाद लिया। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर के पुजारियों ने ये अनुष्ठान करवाया। हरे हरे महादेव।
वहीं गायक कैलाश खेर और रणवीर सिंह ने भक्ति के गीत पर परफॉर्म कर आयोजन में चार चांद लगा दिए। अनंत अंबानी और राधिका की ग्रैंड वेडिंग में अब कुछ घंटों का ही वक्त बचा है, जिसके हर रंग की गवाह दुनिया बनने जा रही है। और चलिए बारी बारी से उन तमाम मेहमानों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं जो कि इस ग्रैंड वेडिंग में शामिल होने के लिए मुंबई पहुंच चुके हैं। तमाम खास मेहमान पहुंच रहे हैं और आप देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंच चुकी हैं, उनका स्वागत हुआ, वेलकम हुआ। इसके अलावा लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव भी पहुँचे हुए हैं। रैपर हनी सिंह को आप देख सकते हैं, वो भी इस शादी का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इसके अलावा तमाम विदेशी कलाकार भी पहुंच रहे हैं इस ग्रैंड वेडिंग का हिस्सा बनने के लिए। मॉडल्स, विदेशी मॉडल्स भी पहुंच चुकी हैं और अभी भी मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। 3 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक अलग अलग रस्में अदा की जानी हैं और इसी क्रम में आप देखिए अभी भी मेहमान पहुँच रहे हैं मुंबई इस ग्रैंड वेडिंग में शामिल होने के लिए। और हमारे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि लगातार नज़र बनाए हुए हैं इस ग्रैंड वेडिंग पर। जो मेहमान वहां पर पहुंच रहे हैं उनको भी अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। विशाल, अभी का अपडेट और जानकारी दीजिए, अभी क्या चल रहा है, क्योंकि तय कार्यक्रम के मुताबिक 3 बजे बारात निकलनी थी। अभी वहां किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कौन कौन से मेहमान पहुंच चुके हैं और अभी और किन का इंतजार किया जा रहा है? हमारे दर्शकों को बता दूं कि यहाँ माहौल जो बन रहा है, माहौल बन चुका है, क्योंकि एंटीलिया से दूल्हा जो है वो दूल्हा निकल चुका है। एक दूसरे से आज तक जो बातें हो रही थी वो हो रही थी, शुभ घड़ी जो है वो नजदीक है। थोड़ी देर में यहाँ दूल्हा दुल्हन पहुंचेंगे और शादी का समारोह जो है ये पूरी तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ये हम गेट नंबर 11 के गेट से खड़े हैं, यही वो गेट है जहाँ से अलग अलग सेलिब्रिटीज आएंगे, बॉलीवुड के हो, वो बॉलीवुड के हो, वो अलग अलग राज्य की हस्तियां हो। जैसे आपने थोड़ी देर में तो बताया अपने दर्शकों को कि अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी आ रहे हैं, तो हम मैं दिखा दूं पीछे ये है एक कारपेट और यही से सेलिब्रिटी जो है यहाँ से गुजरेंगे। सबसे जो चर्चा में है वो हॉलीवुड की सेलिब्रिटी है और उसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटी जो है वो खान ब्रदर्स यानी आमिर खान, सलमान खान, उसके साथ शाहरुख खान, ये तो आने वाले, पर बीच में अमिताभ बच्चन और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जो हम जानते हैं कि मास्टर ब्लास्टर की और अंबानी फैमिली की नजदीकियां जो है वो बहुत ज्यादा है। मुंबई इंडियंस की भी पूरी टीम जो है इस समारोह में हमें देखने को मिलेगी। मैं दर्शकों को बता दूं कि 3 दिन ये समारोह जो है वो चलने वाला है, आज, कल और परसों। कल के दिन जो है वो स्पेशली देखा जाए, विशेषतः अंबानी परिवार के लोगों के लिए कल का रिसेप्शन रहेगा और परसों के दिन पूरी तरह से हॉलीवुड और बॉलीवुड की अलग अलग सेलिब्रिटी हम इस समारोह में देख सकते हैं। फिलहाल तो अपडेट यह है कि अनंत अंबानी और जो दुल्हन है वो यहाँ प्रोग्राम के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी देर में यहाँ पे हम देखेंगे कि जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में शादी का माहौल जो है देखने को मिलेगा और इसी रेड कार्पेट से अलग अलग सेलिब्रिटी जो है यहाँ से गुजरेंगे। बैक टू स्टूडियो। विशाल, सियासी जगत से कौन कौन से बड़े चेहरे यहाँ पर पहुंचने वाले हैं या फिर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमने तस्वीरें देखी ममता बनर्जी वहां पर पहुंच चुकी हैं, इसके अलावा हमने देखा लालू प्रसाद यादव पूरे परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं, तेजस्वी यादव भी वहां पर पहुंच चुके हैं, और कौन कौन वहां पर सियासी गलियारे से मेहमान पहुंच चुके हैं या फिर पहुंचने वाले हैं? ये भी पता चल रहा है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर भी यहाँ फैमिली के साथ आने वाले हैं और हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो भी आसाम के चीफ मिनिस्टर, वो भी अपने फैमिली के साथ यहाँ पे पधार रहे हैं। इसी के साथ महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, उसके बाद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है वो दोनों डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वो भी यहाँ पे आने वाले हैं और वैसे देखा जाए उसी के साथ अलग अलग क्षेत्र की हस्तियां भी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि जहाँ ये विवाह समारोह हो रहा है वो है जियो वर्ल्ड कन्वेक्शन सेंटर, 1,00,000 स्क्वेयर फुट से बनाया हुआ है जियो वर्ल्ड कन्वेक्शन सेंटर, जहाँ अंदर अगर हम जाते हैं तो अलग अलग जगह पे अलग अलग पंडाल जो है वो बनाए हुए हैं और ये भी पता चल रहा है कि वाराणसी की थीम पर अंदर का पूरा सेट जो है दूल्हा दुल्हन का वो बनाया गया है। तो थीम सेट से लेके जो अलग अलग जो व्यंजन है
वो नॉर्थ वाले व्यंजन जो है आज सभी आने वाले बरातियों को चेकने को यहाँ पे मिलेंगे। शुभगढ़ी नजदीक है और फिर एक बार जो है एक दूसरे के लिए वो जो माहौल है, वो जो दृश्य है, हम देख पाएंगे। स्टूडियो काशी की थीम पर पूरा आयोजन किया गया और बाकायदा अनीता अंबानी की तरफ से एक वीडियो भी शेयर किया गया विशाल, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से काशी से उनका गहरा लगाव है और उसकी झलक आज यहां पर देखने को मिल रही है। हमने थोड़ी देर पहले तस्वीर देखी विशाल, अखिलेश यादव भी वहां पर पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश से कौन कौन से बड़े चेहरे पहुंचने वाले, अगर उनके बारे में कोई जानकारी? अभी तक तो पता चल रहा है कि लालू प्रसाद यादव अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे पहुंच गए हैं, अखिलेश यादव भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। उत्तर की तरफ से बड़े बड़े नेता जो है उन्हें इन्विटेशन दिया गया है, वो भी यहाँ पे पहुंचेंगे। वैसे देखा जाए तो अंबानी परिवार की जो भी राजकीय नेताओं से काफी नजदीकी है, कोई पक्ष भेद नहीं है, इसलिए आज हमें अलग अलग पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है वो यहाँ दिखाई देंगे, खास करके अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश के भी चीफ मिनिस्टर यहाँ पे आने वाले ऐसा पता चल रहा है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, उसी के साथ हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, और महाराष्ट्र की पॉलिटिकल सेक्टर की अलग अलग बड़ी हस्तियां जिनसे अंबानी परिवार की काफी अच्छी नजदीकियां है, वो सब लोग भी हमें इस समारोह में शामिल होते हुए दिखेंगे। माहौल बन रहा है, सभी को इंतजार है उस घड़ी का कि कब शुभ मंगल होता है। जैसे कि समय जो था वो 3 बजे का तय हुआ था, पर अभी भी जो अपडेट हमें मिल जाए कि एंटीलिया से दूल्हा और दुल्हन उनकी बारात जो निकल गई है और थोड़ी देर में वो यहाँ पे पहुंचेंगे, माहौल बनता हुआ दिखाई देगा और इसी रेड कार्पेट से सभी सेलिब्रिटी जो है वो गुजरेंगे। बैक टू स्टूडियो। विशाल, हमें भी यही जानकारी दी गई कि मुंबई के BKC स्थित जियो वर्ल्ड सेंटर में दोपहर 3 बजे से बारात इकट्ठा होगी, और चूंकि अभी 3:30 से ज़्यादा का वक्त हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर हलचल अभी बड़ी होगी। इसके अलावा ये भी बताया गया कि सबसे पहले वहां पर साफा बांधने की रस्म निभाई जाएगी, इसके बाद मिलनी की रस्म होगी, और मिलनी की रस्म के बाद 8:00 वरमाला का आयोजन होगा। लग्न 7 फेरे और सिंदूरदान की जो रस्म है वो 9:30 के आसपास फिलहाल तय कार्यक्रम के मुताबिक बताई गई है। सब कुछ ऐसे ही वहां पर आगे बढ़ रहा है विशाल? बिल्कुल इसी तरह से होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि अंबानी परिवार जो है वो काफी धार्मिक है, और इस बारे में जो भी क्रोनोलॉजी यहाँ पे विधि की तय हुई है उसी अनुसार यहाँ पे सब जो है वो जो तय हुआ है उसी अनुसार वो होगा, और उसी अनुसार प्रोग्राम जो है, और जैसे आपने कहा कि 4 की पहले की हलचल जो है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, अलग अलग सेलिब्रिटी इसी गेट नंबर 11 से अंदर आते हुए हमें दिखेंगे और एक इसी कार्पेट से वो आगे जाते हुए हमें देखने को मिलेंगे, और सभी को प्रतीक्षा है, मीडिया का जमावड़ा यहाँ पे जमा हो चुका है और सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब एक बार यहाँ पे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट, जैसे कि आपको याद होगा एंटीलिया पे उनके एंगेजमेंट का समारोह हुआ था, उस वक्त भी सब समारोह के बाद में राधिका मर्चेंट, अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी और सभी परिवार के सदस्य एक ही साथ मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने सभी को फोटो अपॉर्चुनिटी, एक वर्चुअल अपॉर्चुनिटी दी थी। आज भी वो इसी तरह से यहाँ पे आपको आते हुए दिखेंगे। विशाल, जब किसी सियासी परिवार में विवाह कार्यक्रम होता है तो हमें वहां पर सियासत के चेहरे देखने को मिलते हैं, किसी फिल्मी सितारे के यहाँ कोई ऐसा आयोजन होता है, वहां पर विवाह कार्यक्रम होता है तो तमाम सितारे वहां में देखने को मिलते हैं, ऐसे ही किसी उद्योगपति के यहाँ अगर कभी कोई शादी अनुष्ठान होता है, आयोजन होता है तो वहां पर उद्योग जगत के तमाम चेहरे देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ हमें हर क्षेत्र के लोगों का संगम देखने को मिल रहा है, क्या इसीलिए कह सकते हैं कि सबसे बड़ी शादी है? बिल्कुल, ये सबसे बड़ी शादी ऐसा हम कह सकते हैं कि अंबानी परिवार जो है उद्योग जगत का एक बड़ा नाम, जिन्होंने हर एक सेक्टर में वो काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं जियो तो है, टेलीकॉम में तो है ही, उसी के साथ कंस्ट्रक्शन में है, उसी के साथ फार्मा में है, तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है, जैसे गैस और पेट्रोलियम में है, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे अंबानी फैमिली, अंबानी ब्रदर्स काम नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से उनके तालुका जो है पूरे जगत में, तो आज हमें, आज कल और परसों हमें अलग अलग जगत के लोग जो है बाकायदा उनको इन्विटेशन भेजा गया है, वो हमें दिखाई देंगे, जैसे आपने कहा अलग अलग चेहरे जो है हमें यहाँ पे दिखाई पड़ सकते हैं। ठीक है विशाल, आप बने रहे हमारे साथ, कुछ और तस्वीरें आ रही हैं वो दर्शकों को दिखा देते हैं और बता देते हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का ड्रेस कोड इंडियन है, यानी हर मेहमान देसी लिबास में नजर आएगा और शादी समारोह में कदम रखते ही मिनी इंडिया भी नजर आएगा।
भारतीय पारंपरिक राग गाकर मेहमानों का स्वागत किया जाएगा। अनंत और राधिका की शादी में पूरे भारत की झलक देखने को मिल रही है। शादी में सजावट की एक एक चीज भारत की संस्कृति, कला और विरासत की भव्यता को दिखा रही है। प्राचीन काल से चले आ रहे भारत के ज्योतिष ज्ञान को बांटने के लिए ज्योतिषाचार्य भी शादी में मौजूद रहेंगे, जिनसे मेहमान चाहें तो अपना भविष्य भी जान सकते हैं। शादी में चूड़ी वाले होंगे, भारत की मिट्टी को महकाने वाले इत्र और फूल वाले होंगे। मेहमानों के मनोरंजन के लिए कठपुतली का शो होगा। भगवान विष्णु के दशावतार के मंत्रमुग्ध कर देने वाली ऑडियो और वीडियो क्लिप भी दिखाई जाएंगी। अंबानी परिवार की इस शादी में मेहमान भारत का हर स्वाद चखेंगे। शादी की रस्मों के दौरान हरिहरन, शंकर महादेवन और श्रेया घोषाल जैसे दिग्गज गायक और गायिका अपनी आवाज से समा बांधेंगे। संगीतकार अमित त्रिवेदी और प्रीतम और गायिकाएं नीति मोहन, कविता सेठ मेहमानों को झूमने पर मजबूर कर देंगे। हनी सिंह, हाडी संधु, संजू राठौर और पूरी दुनिया को अपने गानों पर थिरकाने वाले नाइजीरियाई गायक रेमा भी बारातियों को नचाने वाले हैं। एक बार फिर से विशाल के पास चलते हैं। विशाल, भारतीय संस्कृति की हर झलक आज यहां पर देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि आज जो भी मेहमान जियो वर्ल्ड सेंटर में कदम रखेगा उसे एक मिनी इंडिया की झलक यहां पर देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक भारतीय कल्चर की झलक जो है आज सभी को देखने को मिलने वाली। खास करके जैसे कि नीता अम्बाजनी जी ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए बताया कि वाराणसी के थीम पर, बनारस की थीम पर जो है यहाँ पे अंदर दूल्हा दुल्हन का सेट जो है वो बनाया गया है, और उसी के साथ यानी जो दिख रहा है वो मतलब वैष्णव की धरती पर वैष्णव के रूप से लेके तो अलग अलग व्यंजन तक जो है वो यहाँ पे उत्तर के यानी नॉर्थ वाले टेस्ट के वो व्यंजन जो यहाँ पे मिलेंगे। और फिर बार मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे लगभग जो है यानी जो हलचल जो है बढ़ चुकी है। थोड़ी देर में दूल्हा जो है वो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन यानी अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट यहाँ पे आएंगे, क्योंकि वो एंटीलिया से 20 मिनट पहले निकल चुके हैं और तकरीबन 20 से 25 मिनट पूछने की अपेक्षा है, और उसी अनुसार उसी समय के अनुसार वो यहाँ पे आएंगे। और जो विधि, जैसे हमें पता चला था कि एक शादी का विधि जो है वो पूरा होने वाला है, यानी 3:05 का मुहूर्त था, पर अभी जो हम देखे तो वैसे देखा जाए तो 3:40 हो चुके हैं, तो समय थोड़ा आगे हो गया है। फिर भी 4 बजे तक ये समारोह जो है वो शुरू होगा ऐसा लग रहा है, और अलग अलग क्षेत्र की हस्तियां भी हमें यहाँ दिखाई देंगी। खास करके सभी की नजर इस कारपेट पर जो होगी वो है बॉलीवुड और हॉलीवुड की कौन सी हस्तियां आज हमें देखने मिलती है। एक के बाद एक हवाई जहाज मुंबई जो यहाँ पे एयरपोर्ट है वहां पे लैंड हो रहा है, और वो हस्तियां जो है वो यहाँ पे आ रही है। मैं बता दूं कि कुछ हस्तियां जो है कल परसों में यहाँ तक यहाँ पे आके रुक गई थी, जैसे कि यहाँ पे जिनके परफॉर्मेंस होने वाले हैं, और यहाँ पे जो बांद्रा करके एरिया, बीकेसी करके जो एरिया, यहाँ के जो 5-स्टार होटल्स है मुंबई के, सभी पूरी तरह से अंबानी परिवार की तरफ से बुक थे, क्योंकि वो सब सेलिब्रिटी, प्रोग्राम की सेलिब्रिटी वहां रुकाए गए थे, वो भी सेलिब्रिटी आज हमें दिखाई देंगे। जैसी कि हमने इससे पहले भी देखा था संगीत समारोह में कि खान ब्रदर्स एक ही साथ हमें अंबानी के हर एक प्रोग्राम में डायस पर दिखते ही दिखते, इस बार भी सलमान खान, आमिर खान और उसके साथ शाहरुख खान भी हमें दिखाई देंगे, और बिग बी अमिताभ बच्चन की एक खास एंट्री भी हमें दिखाई देगी। मैं एक और बात बता दूं, आज कल और परसों 3 दिन जो है खास समारोह अंबानी फैमिली की तरफ से, मर्चेंट फैमिली की तरफ से यहाँ पे हो रहे हैं। आज जो समारोह है कुछ खास लोगों को यहाँ पे बुलाया गया है, कल जो रहेगा वो स्पेशली यानी खास तरह से विशेष तौर पर वो समारोह रहेगा अंबानी और मर्चेंट परिवार के लोगों के लिए। उन्हीं के फैमिली के लोग जो है जो आज कुछ यहाँ पे सम्मिलित नहीं हो पाए वो कल सब हमें दिखेंगे। कल फैमिली प्रोग्राम रहेगा, फैमिली रिसेप्शन रहेगा। परसों के दिन जो प्रोग्राम होगा, जो रिसेप्शन होगा, वो स्पेशली रहेगा हॉलीवुड और बॉलीवुड के लिए, और उस वक्त का रास्ता जो है, माहौल जो है वो बनते हुए आपको दिखेगा। और इसी रेड कार्पेट से थोड़ी देर के बाद में अलग अलग सेलिब्रिटी जो है फोटो पोज देते हुए यहाँ से गुजरेंगे और अंदर जाएंगे, तो सभी को प्रतीक्षा है कि कब इस प्रोग्राम की शुरुआत हो रही है और यहाँ पे हलचल बढ़ गई है।